गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर थर्ड, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. एंड टुडे वी विल डू अ डी पार्ट, एंड प्लीज डू दिस पार्ट इन योर कॉपी, राइट? सो द क्वेश्चन इज, राइट द कॉमन फैक्टर्स. हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 एंड 27. सो वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 27, राइट? देन वी हैव टू सी द कॉमन फैक्टर्स इन बोथ 15 एंड 27. तो पहले 15 के फैक्टर्स निकालते हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 15 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है कि 1 के टेबल पे आता है. 1 15 15, ये वाला पार्ट जो है, ये फर्स्ट स्टेप तो हर क्वेश्चन में सेम है, क्योंकि 1 के टेबल पे वो नंबर आता ही आता है. 1 15 15. सो सेकेंड, 1 के बाद आता है 2 पर 15 नहीं आता. 3 पर आता है 15. 3 5 15. 3 के बाद 4 पर 15 नहीं आता. 5 हमारा यहाँ पर आ गया, तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना. अगर वो नंबर जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आ जाता साइड पे, तो स्टॉप हो जाता वहाँ, राइट? 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 15, 1 3 15 एंड सॉरी 5 एंड 15, राइट? हियर 27. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम, 127 सो वन आफ्टर 1, 2 के टेबल पर 27 नहीं आता, और नंबर है 3 के टेबल पे आता है. 3 9 27. 3 के बाद 4 5 6 7 8, कहीं पर भी 27 नहीं आता. 8 के बाद सीधा कहां पर आ रहा है? 9 पे. तो 9 हमारे पास पहले लिखा हुआ है. तो 27 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 9 एंड 27. सो आफ्टर दैट कॉमन फैक्टर्स इन बोथ, कॉमन फैक्टर्स दोनों में कौन कौन से हैं? 1 एंड 3, राइट? सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज 20 एंड 24. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20. फर्स्ट स्टेप इज सेम, 1 20 इज 20. सो 1 आफ्टर 1 2, 2 10 20. 3 के टेबल पे 20 नहीं आता. 4 के टेबल पे कहाँ आता है? 5 4 5 20. 4 के बाद 5 आता है. 5 यहाँ पर आ चुका है हमारा, तो मतलब कि सिर्फ इतने ही फैक्टर्स हैं 20 के. कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 4 5 10 एंड 20. याद रखना है एवरीवन, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, तो कोई मिस नहीं होगा, हमें भूलेगा नहीं कोई भी नंबर. असेंडिंग ऑर्डर में बस देखते जाना है. सो आफ्टर दैट 24 फर्स्ट स्टेप इज सेम, 1 24 24. आफ्टर 1, 2 पर चेक किया, 2 12 24. 2 के बाद आता है 3 3 8 24. 3 के बाद आता है 4 4 6 24. 4 के बाद 5 पे 24 नहीं आता. 6 पे आता है, तो 6 हमने यहाँ पर पहले लिख लिया है, तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे हम. तो हमारे फैक्टर कौन कौन से बने हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 22, राइट? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 24, एंड द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4, राइट? कॉमन फैक्टर मीन्स जो 20 में भी है और 24 में भी है, वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज 12 एंड 30, राइट? सो 12 फैक्टर्स, 1 12 12. आफ्टर 1 देर इज 2 2 6 12. आफ्टर 2 देर इज 3 3 4 12. 3 के बाद 4 आता है, 4 हमारा यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12. 30, 1 30 इज 30. आफ्टर 1 2 2 15 इज 30. आफ्टर 2 3 3 10 इज 30. एंड आफ्टर 3 4 4 पे 30 नहीं आता. 4 के बाद क्या आता है? 5 5 6 इज 30. 5 के बाद 6 आता है, तो 6 हमारे पास यहाँ पहले ही आ गया, राइट? सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, एंड द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 एंड 6. वन मोर थिंग, अगर आपको जैसे कि यहाँ पर 30 नंबर बड़ा है, राइट, हमें नहीं याद आ रहा कि 2 के टेबल पे 30 कहाँ आता है, तो हम 2 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम 2 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 15. सिमिलरली 3 3 10 30 हमें पता है, 5 6 30 हमें पता है, राइट? सो इट्स वेरी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट? सम्स आर वेरी इजी. एंड नेक्स्ट पार्ट इज ई पार्ट इज राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 एंड 10. वी हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 10, एंड देन वी विल सी टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर्स, राइट? मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स. सो वी विल राइट द टेबल ऑफ 4, देन वी विल राइट द टेबल ऑफ 10. So we can see here 20 and 40 are common multiples, right? It's very easy. It is, I think multiples are more easy than factors. So our next question is, write the common multiples of 2 common multiples of 6 and 8. So I have written table of 6 and table of 8. And 2 common multiples are, we can see 24 and 48.
So we will write here common multiples are 24 and 48. Right? Here it is given that we have to write only two common multiples. If it is given write four common multiples or five common multiples, then we will write more tables, more numbers in that table. Okay? So next question is third question is 10 and 15, right? So we will write the table of 10 and 15, and the common multiples are 30 and 60. So these two parts, D and E parts, you will do on your notebooks. If you want to see previous videos and videos of previous chapters, you can subscribe my channel Mathematics Prashal, and if you have any other query, you can contact me as well. Thank you.